अनुसूचित वर्गर छात्र छात्रीक पई मोदी सरकार को बड़ घोषणा कैबिनेट रे अनुमोदित हला 69,000 कोटी रो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप केंद्र सरकार 60% एवं राज्य सरकार 40% प्रदान करिवार योजना मैट्रिक परे शिक्षा छाड़ुथिबा गरीब अनुसूचित वर्गर विद्यार्थी को उच्च शिक्षा रे हेबो सहायक आसंता 5 वर्ष मध्यरे 4 कोटी रु ऊर्ध विद्यार्थी हेबे उपकृत कैबिनेट घोषणा को ट्वीट जोगे धन्यवाद जणाइले केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स बैठक रे अनुसूचित वर्गर विद्यार्थी को पाई निया जाइछि एक बड़ निष्पत्ति कैबिनेट द्वारा अनुमोदित होइछि 69,000 कोटी टंकार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पूर्वरु केंद्र सरकार मात्र 11% अर्थ देउतिबा बेले एबे एहा 60% को वृद्धि करा जाइछि 35,534 कोटी केंद्र सरकार देबा बेले बाकी 40% देबे राज्य सरकार सरकार ने गंभीरता से विचार करके इसमें एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है और अब जो शेयर पैटर्न रहेगा वो 60% केंद्र देगा और 40% राज्य मिलाएगा छात्रवृत्ति द्वारा आसंता 5 वर्ष मध्य 4 कोटी रु अधिक छात्र छात्री उपकृत हेबे बोली लक्ष्य धार्य करा जाउची अनुसूचित वर्गर पाठ पढ़ुआ पिला माने किपरि अधिकरु अधिक पाठ पढ़ा तथा उच्च शिक्षा प्रति आग्रही हेबे सेमानको किपरि ठीक समय छात्रवृत्ति अर्थ मिलिबो सेमानको भविष्यतर क्यारियर प्रति उत्तरदायित्व एवं समस्त प्रक्रिया किपरि स्वच्छतार सह कार्यकारी हेबो ता उपरे गुरुत्व दिया जायछि एई योजना रे कैबिनेट घोषणा परे प्रधानमंत्री ट्वीट करी कहिछंती एही स्कॉलरशिप अनुसूचित वर्गर विद्यार्थीक उच्च शिक्षार सुविधा को सुनिश्चित करिबो आमर युवपीढ़ी को उच्च मानर शिक्षा सहजरे उपलब्ध कराइबा उपरे सरकार गुरुत्व तथा प्राथमिकता देउछंती योजना अधीन रे 10म श्रेणी परे अनुसूचित वर्गर विद्यार्थी जेऊ क्षेत्र रे उच्च शिक्षा ग्रहण करबा को चाहिबे सेति पई सरकार शिक्षा खर्च बहन करिवे केंद्र सरकार को तरफरु एक अभियान आरंभ करा जिवो जेउतिरे 10म परे गरीब अनुसूचित वर्गर विद्यार्थी मानंकु सेमानको पसंद अनुसारे उच्च शिक्षा प्रदान करिवार व्यवस्था रहिबो 1,36,00,000 गरीब परिवारर विद्यार्थी जेउ माने 10म परे पाठ छाडीचंती सेमानको पूर्णी उच्च शिक्षा पई शिक्षा अनुष्ठान को फेराई अणा जिवो और इस योजना के माध्यम से हम कक्षा 11 से लेकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले 60,00,000 छात्रों को जो छात्रवृत्ति दे रहे हैं वो इसमें निरंतर बढ़ोतरी होती रहेगी और 5 साल बाद जाकर के लगभग ये संख्या 4 करोड़ होने की संभावना है और इसमें हम सबसे गरीब घरों के छात्रों को नामांकित करने का प्रयास करेंगे इन घरों में 10वीं पास करने के बाद जो स्कूल छोड़ देते हैं लोग बच्चे उनको स्कूल में लाने की कोशिश करेंगे अगले 5 वर्षों में लगभग 1,36,00,000 ऐसे गरीबतम बच्चों को हम शिक्षा देने की कोशिश करेंगे और उनको स्कूलों कॉलेजों में प्रवेश दिलाने की कोशिश करेंगे उम्मीद है कि ये 1,36,00,000 छात्र इसका लाभ ले पाएंगे स्वच्छता पाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रे चालिबाकु थिबा ए योजना रे राज्य सरकारकर मध्य अनेक भूमिका रहिछि योजनार मापकाठी आधार रे उपयुक्त विद्यार्थी चयन करिवार दायित्व राज्य उपरे रहिबो बोली जणा पडिछि सरकारक ए महत योजना पई प्रधानमंत्री मोदी एवं सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्री टीसी गहलोत को ट्वीट जोगे धन्यवाद जणाइछंती केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।